अपने चले गए तो डीएसपी साहब करेंगे, अगर आपको फिर सेटिस्फेक्शन नहीं होगी तो ऊपर से एसपी साहब जो है वो स्पेशल जो है डिपार्टमेंट के लोग लगा के निष्पक्ष इंक्वायरी करेंगे और जो भी चाइनी के पुलिस के आदमी अगर एट फॉल्ट है तो उसके ऊपर सस्पेंशन भी होगी, ट्रांसफर भी होगी। अभी कल को और मर जाए तो कल को और मर जाए तो जो भी होगा आदि होगा, कल को हमारे घर कमर जाए तो पुलिस प्रशासन हमारे घर कमर जाए तो सर तो क्या करते सर मेरी बात छह बंदे हैं छह बंदे जब अमरीश राणा भागा था आपको याद होगा वो कैसे बंदा भाग रहा है, बंदा मर रहा है, मर रहा है, ये बंदा मर रहा है, वो तो भाग गया था, समझ के रखा है, पहले क्या था वो कॉन्स्टेबल फैसला अभी चाहिए, फैसला अभी चाहिए, फैसला ऑन द स्पॉट चाहिए पब्लिक को। सर बंदा मर रहा है, सर बंदा मर रहा है, के साथ पुलिस के साथ गलत करते तो हमें तो अंदर रोकती है, फिर सत्य को नहीं हुआ जरा फैसला नहीं हटा होता भाई, राजनीति नहीं चाहिए, राजनीति नहीं चाहिए, मिली बंद कर रही है, तीन घंटे में पुलिस पहुंची थी और पुलिस वालों ने फिर एक दो हमारे घर में मौत हो रही है और हमारे 16 बंदे जो हैं अभी भी केस भुगत रहे हैं, वो किस चीज का केस है तो वही बात है ना, आज पिछली बार सरकार की कोटला पुलिस द्वारा बटालियन 6 सोलन में बतौर कांस्टेबल कार्यरत रविंदर राणा को पीट पीट कर घायल करने का वीडियो वायरल होने के बाद घायल की माता व बहन सहित कुछ लोगों ने शनिवार को कोटला पुलिस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके चलते डीएसपी ज्वाली सिद्धार्थ शर्मा ने लोगों को शांत करने की कोशिश की और बाद में एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन भी कोटला पहुंचे। एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन ने घायल की माता और बहन के बयान कलमबद्ध किए तथा 2 पुलिस कर्मचारियों को लाइन हाजिर कर दिया। एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन ने कहा कि अब आगामी कार्रवाई के लिए डीएसपी ज्वाली को जांच अधिकारी लगाया गया है और 1 हफ्ते के अंदर डिटेल रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है, अब उसी के आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन ने कहा कि इस मामले की गहनता से जाँच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, ये जो थोड़ा इशू हो गया है 7-51 में, हमने हमारे पुलिस का कांस्टेबल है 6th बटालियन में रविंदर, उसकी वाइफ की कंप्लेंट के ऊपर पुलिस मौका पर गई थी परसों और वहाँ शायद उसका थोड़ा सा एग्रेशन था या शायद मानसिक संतुलन में डिस्टर्ब था, इसकी वजह से उसको हैंडल किया काबू करने में भी छोटे मोटे लगी थी। अगले दिन सुबह वो अचानक चौकी में अनकॉन्शियस हो गए और फिर उसको तुरंत मेडिकल एड के लिए शाहपुर भेजा पुलिस ने, उसके बाद टांडा रेफर किया था, फिलहाल वो अमनदीप हॉस्पिटल में है, अंडर ऑब्जर्वेशन है। एंड इस मुद्दे पर उनकी मदर का और सिस्टर का यहाँ पर रोष था कि पुलिस ने जो है उनको हैंडल ठीक से नहीं किया या उसकी पिटाई की, इस टाइप के एलिगेशन है। तो इसमें जो भी है विस्तारपूर्वक जाँच के लिए मैंने डीएसपी ज्वाली सिद्धार्थ को अधिकृत किया है कि वो अपनी जांच रिपोर्ट मुझे 1 हफ्ते के भीतर जो है करके सौंपे और उसके आधार पर जो भी होगा फर्दर हम एक्शन पुलिस वालों के खिलाफ लेंगे। फिलहाल 2 पुलिस वालों को मैंने लाइन शिफ्ट कर दिया है पब्लिक आक्रोश के देखते हुए, अभी एलिगेशन हैं, ताकि इंक्वायरी भी जो है सिद्धार्थ की वो फ्री और फेयर मैनर में हो जाए।